हेलो फ्रेंड्स, यह है सूरत टेक्सटाइल मिल। आज के वीडियो में आप लोग दिखाऊंगा कि जो वारपिन का काम होता है भीम बिगड़ जाता है कभी कभी, वो बिगड़ा हुआ भीम को कारी वारपर कैसे सुधारते हैं। चलो आज के वीडियो में हम देखते हैं। जो वारपिन चलता है कभी कभी रोला खराब होने की वजह से छेड़ा जाता है और धागा टूटता है, और सेक्शन मारने में और कोई गलती होगा या इधर उधर थोड़ा होगा तो ड्रम करने में बहुत तकलीफ आएगा। चलो देखते हैं कैसे बिगड़ा हुआ वार्प भीम को वारपर सुधारते हैं। इसमें कोई तार छेड़ा गया था या सेक्शन मारने में कोई गलती हुआ था या जो नया कारीगर आया था इसके लिए कुछ हुआ, इसलिए रोलिंग करने में तकलीफ होता है। हेलो फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जय जगन्नाथ। आप लोग अब देख रहे होंगे कि जो वारपर जो धागा खींचता है वो थोड़ा ख़राब हो गया। जब सेक्शन मारा जाता था एक नया कारीगर जो कारीगर लोग सीखते हैं उनके लिए गलती हो जाता है। ये देखो कभी कभी ग्राइंड इधर उधर होने से रोला ख़राब होता है और वारपिन में सेक्शन मारने में धागा टूटता है और फंसता है, इसलिए वारपर कभी कभी परेशान में आ जाता है इसलिए। और गलती होने की वजह से ये जो धागा देखो कैसे वारपर खींच रहा है, जो सेक्शन मारा जाता था वही टाइम पर ये ख़राब हो गया था। तब जब रोलिंग कर रहा है इसके लिए इधर से खींचना पड़ता है, नहीं तो पूरा का पूरा भीम खराब हो जाएगा। पर इसके लिए वारपर को एडजस्ट करके उसमें धागा ही भरना पड़ेगा। अभी देखो ये रोज़ का काम होता है, फिर भी कभी कभी ऐसे वारपर का गलती होता है या कोई नया कारीगर सिखाने लगेगा तो भी वो गलती होता है। ये जो भीम सब रखा गया है भीम, ये सबको मशीन में लगता है, ये सब अच्छा से वारपर निकलेगा तो कपड़ा लूम्स में अच्छा चलेगा, और उधर से खराब आएगा तो ये कपड़ा बनाना भी दिक्कत होगा। इसके लिए वहाँ से कारीगर जो वारपर उसको देख के संभाल के अच्छी तरह से भीम निकलता है, और उधर से जो खराब आता है जो नया नया कारीगर वारपिन सीखते हैं या वारपिन खराब करता है वारपर, वो भीम को सुधार के छोड़ता है, नहीं तो ये धागा ये जो कपड़ा बनता है इसमें परेशान आ जाएगा। चलो देखते हैं अभी जो कपड़ा यहाँ बनता है सब यहाँ चेक होने आता है टाका ऑफिस में, सब कपड़ा इधर बनता है, और भीम खराब होने की वजह से कपड़ा बनने में दिक्कत आएगा, पर इधर से पता चल जाएगा धागा कम है, सब कुछ मालूम चल जाएगा। इसके लिए वारपर को ध्यान दे के काम करना पड़ता है वारपिन में, इसके लिए उसमें रिस्क ज़्यादा है और पगार भी उसमें ज़्यादा है। अभी जो धागा थोड़ा ख़राब हो गया जो सेक्शन मारा जाता था, अभी वहाँ से थोड़ा गलती हो गया था, इसके लिए जो धागा अभी खींच रहा है उसको निकालना पड़ता है। ये देखिए अभी एक भीम को आधा घंटा में काम होने वाला था, अभी 2-3 घंटे तक अब इसको इससे खींचते रहेगा, क्योंकि धागा जो बनाया था जो सेक्शन मारा था उसमें थोड़ा गलती हो गया था। इसके लिए ये धागा का ऊपर धागा चढ़ गया है और इसको निकालना पड़ता है। आज के वीडियो में इस पर बनाया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन का भी दबा देना ताकि नया नया वीडियो हम अपलोड करें आप लोग देख सकें। चलो देखते हैं वो किस तरह जो भीम खराब हुआ है उसको कैसे निकालते हैं। ये तो ज़्यादा टाइम लगे मैं पूरा का पूरा नहीं दिखाएगा, ये 2-3 घंटा लग जाएगा इसको खींचते खींचते, मगर जब वारपिन में गलती होता है या कुछ इधर उधर होता है तो वारपर को ऐसे ही करना पड़ता है, इसके लिए वीडियो बनाया हूँ। रोज़ तो काम साल भर महीना भर चलता रहता है, उसके बीच बीच में थोड़ा थोड़ा खराब होने की वजह से वारपर लोग भी इस तरह परेशान होते हैं। अगर कोई नया नया कारीगर लाते हैं सिखाने के लिए तो उनको भी खड़ा करते हैं वारपिन वो जो वारपिन का काम करने में और भीम बनाने के लिए, तो वो लोग भी थोड़ा थोड़ा गलती करते हैं, ये सब गलती करते करते वो लोग सुधरते हैं। चलो देखते हैं इसके बारे में ये वीडियो बनाया हम। अभी जो वारपर जो धागा खींच रहा है इसके लिए इससे सब कर रहा है कि जो मशीन में लूम्स में जो कारीगर काम करते हैं उन लोगों को भी परेशानी ना आए, इसको धागा निकाल के उसमें धागा वो जोड़ देंगे, और मशीन वाला जो चलाते हैं लूम्स मशीन उनको कोई परेशानी नहीं आएगा, इसके लिए ये धागा को वो भीम को सुधारते हैं, नहीं तो वो चाहते तो उसको भी उसके अंदर डाल देता धागा को, वो कारीगर लोग कोई परेशानी ना आए इसके लिए वो इसको सुधारते हैं। अभी खड़े होकर धागा खींचते हैं और भीम कैसे अच्छा निकलेगा इसके लिए वो कोशिश करते हैं। यहाँ से पूरा का पूरा रोला लगा जाता है धागा का बंडल, उसके बाद सेक्शन मारा जाता है वारपिन में, और पूरा पूरा सेक्शन मारना ठीक से मारना पड़ता है, और सेक्शन मारने में गलती होगा तो भीम निकलने भी गलती परेशान करेगा। चलो आज के वीडियो में इतना, रखता हूँ, बाय बाय।
जय जगन्नाथ।